सेट केड़ा लेना ही। हम बस नॉर्मली खड़े ही थे, हमने कभी आपके लिए कोई बुरी वीडियो नहीं बनाई, फिर आप लोगों ने क्यों ऐसे किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं ए टू जी। तो जी, पिछले चंद दिनों से कुछ सुर्खियां जो न्यूज़ में चल रही थी, जो ट्विटर ट्रेंड पर चल रही थी, जो यूट्यूब पे, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रही थी, वो चंद 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, योम आशूरा, काबुल, फतेह काबुल और सबसे जो माशरे पे असर करने वाली जो न्यूज़ थी, जो खबर थी, वो आयशा अकरम नामी टिकटॉकर के साथ बदसलूकी की। वो क्या हुआ, जो हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए था, उससे पूरा माशरा बदनाम हो गया, लेकिन क्या क्या चीज़ें इसके पीछे सरोकार। 14 अगस्त को ये वाकया होता है जो नहीं होना चाहिए था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये वाकया नहीं होना चाहिए था, हमारे नॉर्म्स, हमारे बिलीव्स, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। लेकिन 14 अगस्त को ये वाकया होता है, 15 अगस्त को मैडम आयशा अकरम अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाती हैं, लेकिन 16 अगस्त पे इनकी वीडियो वायरल हो जाती है, या फिर शामी पहुंच जाता है, इकरारुल हसन पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर रो रो के बता रही होती है कि मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जान निशान नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हकाम आला से, प्लीज़ सबसे पहले आप मेडिकल कराएं और जो लोग इसके पीछे मुलविस हैं इनको सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन मेरे चंद सवालात हैं। मैडम कह रही है कि मैंने आज तक फाश कपड़े नहीं पहने, मैं पहनती नहीं हूँ। मैडम, आपने उस दिन पाकिस्तानी लिबास तो मलबूस किया हुआ था, लेकिन उसका दुपट्टा आपके हाथों में ऐसे घूम रहा था जैसे क्या कहने, आपकी फ्लाइंग केसेस, आपकी सेल्फीज, आपके साथ जो 7 से 8 लड़के आए हुए थे वो बाकायदा लड़कों से कह रहे थे कि आप ले लीजिए सेल्फी, ले लीजिए मैडम के साथ सेल्फी ले लीजिए, हमें तो पब्लिसिटी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके साथ महरम होता ना कोई एक, कोई आपका शौहर होता इनमें से, कोई आपका भाई होता, कोई वालिद होता, तो 400 क्या 4000 लोग भी होते ना, जब भी आपके साथ कुछ ना होना था। अब आने वाली जो अब हमारी बहनें वीडियोस बनाती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अगर बाहर शूट कर रही हैं तो आप अपने वालिदे ग्रामी या भाई या शौहर के साथ जाएं और शूट करें ताकि आपकी सिक्योरिटी हो। और ये वाकया कि 400 अफराद जश्न का मामला हो, 400 अफराद खड़े हो और एक लड़की जाए, ये कहीं भी होता दुनिया की किसी भी कंट्री में, ये मामला इस ही नताइज पर आना था। यासिर शामी से पहले उनकी एक वीडियो टिकटॉक पर अपलोड हुई है जिसमें उसका साथी कह रहा है कि क्या ये है पाकिस्तान, नई सरकार ये है पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो कुछ और है, जो आप लोगों ने बना दिया ये पाकिस्तान नहीं है। अपनी गलतियों के नताइज आपके ऊपर जब उलट आते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को गालियां देते हैं, फिर आप इसके माशरे को गालियां देते हैं। इस माशरे में वो लोग भी हैं कि 40 लोगों की लाइन हो, कोई बहन आ जाए, कोई अदी आ जाए, कोई सिस्टर आ जाए, कोई अम्मा आ जाए, कोई खातून आ जाए, वो 40 के 40 साइड में हो जाते हैं, अम्मा अदी बहन आप जाके बिल जमा करा लीजिए। 60 साल का बाबा बस के अंदर बैठा हुआ हो, 18 साल की लड़की स्टूडेंट खड़ी हुई हो तो बाबा खड़ा हो जाता है, बेटा तुम बैठ जाओ। ये है हमारा माशरा, ये है हमारे नॉर्म्स, ये हमारे बिलीव, ये है हमारे कल्चर। लेकिन आपको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी चाहिए और खुद करनी होती है। आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से मामला इतना हाई तक ले जाते हैं, मीडिया में चला के 400 लोगों ने ज्यादती की गई है, अगले दिन चलता है कि 400 लोगों का तशद्दुद, कल मैं वीडियो देखता हूं, कल मैं खबरें देखता हूं तो 400 लोगों की बदसलूकी का लफ्ज यूज हो रहा है और मीडिया में 400 लोग बताए गए। उसके बाद अगले दिन बताया गया कि एक बच्चा चप्पलें मार रहा है लड़कों को, लड़की को बचाने के लिए। ये असल में हमारा माशरा, एक लड़का चादर डाल रहा है उस लड़की के ऊपर, ये है हमारा माशरा। हमारा माशरा वो नहीं है जो आप और वो भाई बाकायदा 350 से ज्यादा लोग जो हो रहा है वहां पे,
जब मैं गफीर में जो हो रहा है, टिकटॉक पे जो मुजरे हो रहे हैं, ये हमारा माशरा नहीं है। हमारा माशरा वो है जो बच्चा चप्पल उतार के लोगों को मार रहा है। तो छोड़ो, आयशा इकराम साहिबा कह रही है कि मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें निशान ना हो। हकाम आला से गुजारिश है कि मेडिकल कराया जाए। हकाम आला से गुजारिश है कि वहाँ पे देखा जाए कोई जंगला टूटा हुआ। आयशा इकराम साहिबा के बयान में ये भी आ रहा है कि लोगों ने वो तोड़ ताड़ के वो अंदर घुसे। और आयशा इकराम साहिबा कह रही है, मैंने आज तक फाश कपड़े पहने ही नहीं, आपकी टिकटॉक वीडियोस बता रही है। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक वेब चैनल को जिसका नाम नया पाकिस्तान है, उसको इंटरव्यू में कहा वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने कि इनके पास मौका था निकलने का, लेकिन ये निकली नहीं, ये खुद नहीं निकली। बजाय ये एक दो तरह के मौके इख्तियार किए जा रहे हैं कि एक ये पब्लिक स्टंट था कि पब्लिसिटी चाहिए थी, दूसरा ये कि ये एक हादसा है, नहीं होना चाहिए था। पब्लिसिटी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, मिल गई नहीं मिली, ये साइड में। लेकिन ये वाकया है, ये नहीं होना चाहिए था, आइंदा नहीं होना चाहिए। इससे पूरा माशरा बदनाम हुआ है। और जो टिकटॉकर है उनसे गुजारिश है कि आप जाएं तो अपने किसी घर वाले के साथ बाहर जाएं, अगर आपको शूट करना है तो आपको, और आपको अगर कुछ स्टंट करना है तो अपनी चार दीवारी में करें। आप पब्लिश कर दें, छोड़ें उसको, आप अपनी चार दीवारी में करके जो करना है कर ले। कोई नहीं कहेगा, माशा आपको कुछ नहीं कहेगा, आप घर में कुछ भी कर ले। लेकिन हमारा माशा ये नहीं है। हमारा माशा वो जो चप्पल फेंक रहा था, हमारा माशा वो जो 40 लोग हट के अदि आप बिल जमा करा, हमारा माशा वो जो 60 साल का बाबा उठ के बेटी को जगह दे रहा है, बेटा बेटा, ये है असल में हमारा माशा। हमारे माशरे को बदनाम किया जा रहा है, प्री प्लानिंग किया जा रहा है। ढूंढने के लिबरल्स काफ़ी देर से खामोश थे, लेकिन वो फिर उठे और आम लोगों के जहन में भी ये बात डाल दी। तो जो हुआ नहीं होना चाहिए था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाकी आइंदा वीडियोस के लिए आप हमसे बने रहिएगा। अल्लाह निगहबान।